तो आपका बजट है 10,000 रुपये, और आप 10,000 रुपये की कीमत में एक अच्छा सा फ़ोन लेना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आप जब एक फ़ोन लें तो आपको एक अच्छे कैमरे वाला फ़ोन मिले, एक अच्छी बैटरी वाला फ़ोन मिले, और आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेसर वाला फ़ोन मिले। जैसे कि आपको अगर गेमिंग करनी हो, या डे बाय डे यूज़ करना हो, या फिर आपको उस फ़ोन में मल्टीटास्क वर्क करना हो, इतना सब कोई काम कोई करता ही कौन है, कोई नहीं करता है। बट सभी को एक अच्छी परफॉर्मेंस वाला फ़ोन चाहिए होता है। सीधी सी बात ये है, सभी को एक अच्छी सी परफॉर्मेंस वाला फ़ोन चाहिए होता है, जिससे कि वो फ़ोन लैग ना करे, वो फ़ोन हीट ना करे, फ़ोन अटके ना चलाने में, और फ़ोन में कोई प्रॉब्लम ना आए, और फ़ोन अच्छा हो, स्मार्टफोन एक ज़बरदस्त हो, प्रीमियम दिखने वाला फ़ोन हो, एक अच्छे स्पेसिफिकेशन वाला फ़ोन हो। यानी कि जब भी आपसे कोई फ़ोन पूछे कि आपने फ़ोन कौन सा लिया है, तो आप उसको बता पाएँ कि मैंने ये फ़ोन लिया है, और वो आपसे कहे कि हाँ भाई, ये बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है, आपने बहुत ही अच्छा फ़ोन लिया है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ टॉप 3 बेस्ट फ़ोन अंडर 10,000 की रेंज में, जहाँ पे आप जान पाएंगे कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, और मार्केट में इस वक्त कौन से सबसे बेस्ट फ़ोन चल रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप जाएं दुकान पे और आप एक बेकार सा भद्दा सा फ़ोन ले आएं, वो भी 10,000 रुपये की कीमत में, और आपको मज़ा ना आया बाद में, और बाद में लोग ये भी बोलें आपको कि आपने कौन सा फ़ोन ले लिया, फिर आपका रीसेल वैल्यू में भी आपको रीसेल वैल्यू ना मिले। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक का टारगेट रखते हैं यहाँ पर 2,000 लाइक्स का। मुझे मालूम है कि आप लोग इसको जल्दी से पूरा कर देंगे, और वहीं पर साथ में आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने उन लोगों को जो एक अच्छा सा फ़ोन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे अपने पहले फ़ोन से। अगर पहले फ़ोन की बात करें तो हमारा एक बहुत ही अच्छा फ़ोन आता है वीवो का U20, जो कि अंडर 10,000 की रेंज में समझता हूँ बहुत ही अच्छा फ़ोन है, और आपको बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशन और अच्छा कैमरे परफॉर्मेंस वाला फ़ोन मिल जाता है, जहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग ऑप्शन, बड़ी बैटरी, एक बड़ी डिस्प्ले, एक अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस और एक ज़बरदस्त प्रोसेसर वाला यानी कि पावर पैक फ़ोन आपको मिल जाता है वीवो U20। अगर बात करें तो वीवो U20 में आपको 5,000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। ये सबसे एक अच्छी बात है कि आपको 5,000 mAh की बैटरी, साथ ही साथ फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी कि 18 वाट का चार्जर आप लोगों को इस फ़ोन में देखने को मिलता है। अब अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 16+8+2 MP का कैमरा परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। कैमरा परफॉर्मेंस भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी देखने को मिलती है। वहीं पर अगर बात करें फ्रंट कैमरे की, तो आप लोगों को 16 MP का फ्रंट में भी कैमरा देखने को मिलता है, यानी कि सेल्फी भी आप लोगों की बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी हो जाती है, डिसेंट क्वालिटी की पिक्स आप ले सकते हैं। बात करें अगर डिस्प्ले की, तो 6.5 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि एक अच्छी डिस्प्ले है, और आप लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है, पांडा MM के नाम से कोई ग्लास है जो आप लोगों को देखने को मिलता है। ये तो आगे बात प्रोटेक्शन की, बैक में आप लोगों को कोई प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर प्लास्टिक का पैनल देखने को मिलता है, और अगर बात करें तो यहाँ पर आपको लुक वाइज अच्छा फ़ोन लगता है, अच्छा फ़ोन मिल जाता है लुक वाइज। अब अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो सबसे मेन बात होती है परफॉर्मेंस की। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप लोगों को स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि 11 nm पर आधारित एक अच्छा और एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेसर है। इसमें आपको अगर गेमिंग करनी हो, या फिर आपको कोई भी मल्टीटास्क वर्क करना हो, तो आप आसानी से कर पाते हैं, आपको कोई लैग नहीं होता है, हीटिंग इशू ज़्यादा नहीं आता है, और आप आसानी से इस फ़ोन को यूज़ कर पाते हैं। बात करते हैं इस फ़ोन में सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पर आप फन टच OS देखने को मिलता है। अब आप इसको यूज़ कर पाते हैं या आपके ऊपर है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस फ़ोन के साथ जा सकते हैं। वहीं पर अगर इस फ़ोन की प्राइस की बात करें, तो ये आप लोगों को 10,990 रुपये की कीमत में देखने को मिल जाता है। तो ये था आप लोगों हमारा पहले नंबर पर फ़ोन, जो कि बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन और बहुत ही ज़बरदस्त पावर पैक मैं बोल सकता हूँ इसके साथ आपको आता है, और आप इसको ले सकते हैं। वहीं पर अब बात करते हैं अपने दूसरे फ़ोन की। दूसरा फ़ोन भी हमारा बहुत ही ज़बरदस्त स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। ये हमारा दूसरे नंबर पर इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, जिसकी वजह से ये फ़ोन हमने दूसरे नंबर पर रखा है। अब अगर बात करें इस फ़ोन की, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे इसके प्रोसेसर से स्टार्ट करेंगे। Redmi Note 8 एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, जो कि MI के लवर हैं वो इसको लेंगे किसी भी हालत में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए
कि आप MI के फ़ैन हैं या फिर आप वीवो के या फिर रियलमी के, और मुझे ये भी बताइए कि आप कौन सा फ़ोन लेना चाहेंगे। साथ ही साथ अब हम यहाँ पर देखेंगे कि रेडमी नोट 8 में आपको कौन सी कैसी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है बनिस्बत वीवो U20 के, और वीवो U20 से कंपेयर करके देखेंगे। अब अगर देखें तो प्रोसेसर आप लोगों को स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर देखने को मिलता है रेडमी नोट 8 में। ये भी एक 11nm पर आधारित एक बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल प्रोसेसर है। इसमें भी आपको अगर गेमिंग करनी हो तो आप अच्छे तरीके से गेमिंग कर पाएंगे, ज़्यादा आपको लैग और प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। जैसे कि पबजी खेलना हो एस्पर लाइन या फिर आपको कोई भी हाई एंड गेम खेलना हो तो आप उसको खेल सकते हैं आराम से। वहीं पर देखा जाए तो 4GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है। साथ ही साथ 6.3 इंचेस की एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि फुल HD डिस्प्ले होती है, IPS LCD पैनल, और बैक से भी देखने में आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। देखा जाए तो यहाँ पर आप लोगों को ग्लास बॉडी देखने को मिलती है, यानी कि मजबूती ज़्यादा इसमें आप लोगों को मिलती है। गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन देखने को मिलता है, फ्रंट और बैक दोनों ही में आपको बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन देखने को मिल जाती है, यानी कि देखने में लुक वाइज बहुत ही अच्छा लगता है, फ़ोन प्रीमियम फील होता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप लोगों को 48+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिलता है। कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलती है इसमें, यानी कि डिटेल वाइज अगर देखा जाए तो कैमरा इसका ज़्यादा बेटर है वीवो U20 से। और अगर देखा जाए तो फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, तो दोनों ही तरफ से आप इम्प्रेसिव फोटो ले पाते हैं। और अगर देखा जाए तो बैटरी के मामले में यहाँ पर 4000mAh की बैटरी देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस फ़ोन में देखने को मिलती हैं। बात करें तो यहाँ पर आपको MIUI 10 देखने को मिलता है, और इसके साथ आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस देखने को मिलती है। 9,990 रुपये की कीमत में आप लोगों को ये फ़ोन देखने को मिल जाता है। ऑनलाइन आप इसको बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से इसको देख सकते हैं। बात करें अगर इन दोनों फ़ोन्स की कंपैरिजन जो मैंने आप लोगों को पहले बताया, तो इसमें मुझे U20 ज़्यादा बेस्ट लगा, क्योंकि यहाँ पे आपको तमाम सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो ये था हमारा दूसरा फ़ोन जो कि हमारी एक बहुत ही ज़बरदस्त स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे फ़ोन की। अगर तीसरे फ़ोन की बात करें तो आता है रियलमी की तरफ से 5S, और रियलमी कहाँ पीछे रहने वाला था अगर ये दोनों लड़ाई में कूदे हुए थे। तो देखा जाए तो रियलमी 5S भी आपको एक अच्छी कीमत के साथ मिल जाता है, यानी कि 9,999 रुपये की कीमत में आप लोगों को ये फ़ोन देखने को मिल जाता है। अब अगर बात करें इस फ़ोन की तो इसमें आप लोगों को स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 11nm पर आधारित एक अच्छा और ज़बरदस्त प्रोसेसर है जो आपको रेडमी नोट 8 में देखने को मिलता है। वहीं पर यहाँ पर 4GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप लोगों को 6.5 इंच की HD डिस्प्ले देखने को मिलती है। बस यही यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपको उन दोनों फ़ोन्स में फुल HD देखने को मिल रही है, इसमें आपको HD देखने को मिल रही है। यहाँ पर बात करें कैमरा परफॉर्मेंस की तो आप लोगों को क्वाड कैमरा देखने को मिलता है, 48+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिलता है, यानी कि 48 मेगापिक्सल का आप लोगों को प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है, और यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का आप लोगों को अल्ट्रा माइक्रो देखने को मिलता है। देखा जाए तो यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पे 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है। कंपटीशन टफ है तीनों फोन्स में, तीनों ही फोन अच्छे अच्छे स्पेसिफिकेशन लेकर आए हैं, बट यहाँ पर देखा जाए तो आपको इसमें HD डिस्प्ले देखने को मिल रही है, इसलिए इस लिस्ट में मैंने इसको तीसरे नंबर पे रखा है। प्राइस के हिसाब से तीनों फ़ोन ठीक हैं, 9,999 रुपये की। अब आप बताइए कि आप कौन सा फ़ोन लेना चाहेंगे, आप किसके साथ जाना चाहेंगे। ये टॉप थ्री बेस्ट फ़ोन मैंने आपको बताए जो कि बहुत ही ज़बरदस्त स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं, प्रीमियम लुक देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और अगर बात करें यहाँ पर मेरे ओपिनियन की तो मैं Redmi Note 8 के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि आपको एक प्रोटेक्शन वाइज एक अच्छा फ़ोन मिल जाता है, साथ ही साथ सारी चीज़ें बैलेंस में मिल जाती हैं, कैमरा भी अच्छा मिल जाता है, प्रोसेसर भी ठीक ठाक मिल जाता है और बैटरी भी ठीक ठाक मिल जाती है। यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन दोनों ही में देखने को, तीनों में फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि 18W का चार्जर तीनों में देखने को मिलता है, और प्राइस भी सेम ही सेम है, बट थोड़ी सी वीवो U20 में आपको 10,990 रुपये देखने को मिल जाती है, तो ये हिसाब से, बट देखा जाए तो मेरे हिसाब से तीनों ही फ़ोन ज़बरदस्त हैं।
अब आप कौन सा लेना चाहेंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करते चलिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।